Taking question number 8 from the chapter Electrostatic Potential and Capacitance. Friends, ये question इस तरह से है, in a parallel plate capacitor with air between the plates. तो हमें एक parallel plate capacitor दिया गया है जिसके बीच की जो जगह है वो air से filled up है और each plate has an area 6×10⁻³ m², ये इसका area दिया गया है and the distance between the plates is 3 mm. Calculate the capacitance of the capacitor. If this capacitor is connected to a 100 volt supply, what is the charge on the each plate of the capacitor? आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे. ये क्वेश्चन काफी सिंपल है. हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है, इसका हमें कैपेसिटेंस निकालना है और पूरी कंडीशन हमें दी गई है, ठीक है. और फर्दर हमें बताना है कि इसकी प्लेट्स के ऊपर कितना चार्ज होगा अगर हम ये जो कैपेसिटर है इसे 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं. ओके, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, किस एक्सप्रेशन से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखते हैं. तो इट इज गिवन बाय सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है. तो कैपेसिटेंस सी है, उसकी वैल्यू होती है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. के डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ए एरिया ऑफ द प्लेट और डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 3 mm गिवन है, तो इसे मीटर्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 3×10⁻³ m. एयर के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू 1 के बराबर होती है और एरिया ऑफ द प्लेट हमें गिवन है 6×10⁻³ m². ओके, तो ये वैल्यूज प्लेस कर देंगे, रिस्पेक्टिव वैल्यूज जो के ए और डी की हैं वैल्यूज प्लेस कर देंगे. तो के की वैल्यू 1, एप्सिलॉन नॉट दैट इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस की वैल्यू 8.84×10⁻½ प्लेस कर दी. ए की वैल्यू 6×10⁻³ m² और डिस्टेंस की वैल्यू यहां पे प्लेस कर दी, ठीक है. तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे ये जो 3 है ये 6 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, ये 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा C इज इक्वल टू 8.854×2×10⁻½, जिसे सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है 17.708×10⁻½. या हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू इसे राउंड ऑफ करके 17.71 pF. ओके, नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना था कि इसकी जो प्लेट्स के ऊपर कितना चार्ज होगा. तो ये काफी सिंपल हो जाएगा क्योंकि हमें पता है Q इज इक्वल टू CV, चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय C × V, C कैपेसिटेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस. तो 17.71×10⁻½ कर देंगे, जिसे हम लिख सकते हैं 17.71×10⁻¹ कूलम्स, या फर्दर इसे लिख सकते हैं 1.771×10⁻¹ कूलम्स, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इस तरह से है, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन क्वेश्चन 2.8 अ 3 mm थिक शीट ऑफ माइका ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6 वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है. और जो हमें बताना है कि क्या होगा, वो दो कंडीशंस में बताना है कि व्हेन द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड एंड सेकंड केस में व्हेन द वोल्टेज सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड. ओके, तो आइए ये क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा जाएगा. तो जो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें अरेंजमेंट गिवन था वो इस तरीके से है कि एक हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसे हमने 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है. और इसका हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका कैपेसिटेंस 17.71 पीएफ है और इसकी जो प्लेट्स के बीच की जो थिकनेस है वो 3 mm है, ठीक है. ये प्रीवियस क्वेश्चन में था. अब हम क्या कर रहे हैं कि ये 100 वोल्ट की सप्लाई एज इट इज रखते हुए हम एक 3 mm थिक माइका शीट इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो अब हमें बताना है कि एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन. तो व्हाट वुड हैपन, कोई इसमें विस्फोट तो नहीं जाएगा, है कि नहीं. तो सिंस ये जो कैपेसिटर है ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज से कनेक्टेड है, ठीक है, इस पर कुछ चार्ज भी इकट्ठा होगा इसकी प्लेट्स के ऊपर और सिंस हम इसके बीच में
ये 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट इंसर्ट कर रहे हैं तो बताना है क्या क्या चेंजेस इसमें आएंगे। ठीक है, तो हमें जो चेंजेस बताने हैं या एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन बताना है तो वो कैपेसिटेंस, वोल्टेज और चार्ज, इन तीन चीजों में बताना है कि क्या चेंजेस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज की बात करें ए पार्ट के लिए तो वोल्टेज हमारा अनचेंज रहेगा क्योंकि सप्लाई हमारी 100 वोल्ट की है, तो वोल्टेज तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अक्रॉस रहेगा दैट विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, क्योंकि इस केस में हम 100 वोल्ट की सप्लाई जो है कांस्टेंट रख रहे हैं और इसमें कोई चेंज हमने करा ही नहीं है, तो 100 वोल्ट की जो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस बना रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल चेंज इसलिए होगा क्योंकि जब भी हम किसी भी कैपेसिटर की बीच का जो मीडियम है डायलैक्ट्रिक मीडियम है उसे हम चेंज करते हैं तो जो न्यू कैपेसिटेंस होता है दैट इज इक्वल टू के टाइम्स सी, जहां के डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम होता है। तो कैपेसिटेंस जो नया कैपेसिटेंस मिलेगा सी डैश दैट विल बी इक्वल टू के टाइम्स द ओरिजिनल कैपेसिटेंस, जहां के डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होगा मीडियम का। तो ये तो काफी सिंपल रहा क्योंकि के की वैल्यू हमें 6 गिवन है। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल, जो न्यू कैपेसिटेंस आएगा दिस विल बी इक्वल टू 6 × 17.71 PF और इसे अप्रोक्सीमेटली 106 PF के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब सिंस कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है तो ये जो चार्ज होगा प्लेट्स के ऊपर ये भी हमारा चेंज होगा। ठीक है, और ये जो चार्ज हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सी डैश इन टू वी और दिस विल बी इक्वल टू ये जो 100 ये ओके। तो हमने मान लिया कि क्यू डैश इज द न्यू चार्ज जिसकी वैल्यू क्यू अपॉन टू के बराबर है, तो इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगी क्यू डैश विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन टू एंड दिस विल बी इक्वल टू 1.2 × 10⁻⁷ कूलम्स, जिसकी वैल्यू लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁸ कूलम्स। ओके, और जो एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर्स, ठीक है, जो कि फाइनल एनर्जी होगी इस पूरे सिस्टम की दैट विल बी गिवन बाय 1/2 क्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी प्लस 1/2 क्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी के बराबर हो जाएगी, हाफ ऑफ की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। इस वजह से तो क्यू डैश की वैल्यू प्लेस कर देंगे 6 × 10⁻⁸ और ये होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन द कैपेसिटेंस 600 × 10⁻½, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 36 × 10⁻⁙ अपॉन 600 × 10⁻½। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पर भी काफ़ी सिंपल आ रही है। ठीक है, तो ये इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये 6 को 36 से कैंसिल आउट कर देंगे तो मिलेगा 6, ये दो जीरोस हटा देंगे तो 10⁻⁻ लिख सकते हैं। तो हमें पूरी जो वैल्यू मिल रही है वो ये है 6 × 10⁻⁶ अपॉन 10⁻⁻, जिसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁶ जूल्स। तो इतनी एनर्जी हमारे दोनों कैपेसिटर में अक्यूमुलेट रहेगी, ठीक है, आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। ओके, तो इस वजह से लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू द इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर जब वो चार्ज करा गया था, जब इट इज नॉट कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर, −6 × 10⁻⁶ जूल। ये वो एनर्जी है जब दोनों कैपेसिटर में चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो दोनों कैपेसिटर में इतनी एनर्जी रहती है। ओके, तो जिसे हम लिख सकते हैं 12 × 10⁻⁶ −6 × 10⁻⁶ जूल्स और जो हो जाएगा 6 × 10⁻⁶।
Taking question number 12 of the chapter Electrostatic Potential and Capacitance. Friends, the question is like this. A charge of 8 mC, 8 mC is located at origin. Okay, calculate the work done in taking a small charge of -2×10⁻⁹ coulombs from the point P003 cm to a point Q04 cm via point R06 cm, 9 cm. Okay, so let us see how we are going to solve this question. Now, to solve this question, first of all, the coordinates of the points are given in three-dimensional coordinate system. Okay, so first of all, we draw a three-dimensional coordinate axis like this. Okay, and we assume that 8 mC charge is located at origin as given. So it is located at the origin of this coordinate axis. Okay, and we take the point P 003 cm, this point Q 04 cm, and this is point R. It is located in YZ plane because its X coordinate is equal to 0, so its coordinates would be somewhere here, 06 cm, 9 cm. Now, what is being done? A charge whose value is -2×10⁻⁹ coulombs, it is a small charge, it is being taken to this point Q via this point R. So this means that first this charge is going to move from this point P to point R, and then it is going to be taken from this point R to this point Q. So initial position of this charge is P and the final position of this charge is Q. Now in this condition, we have to calculate the work done in taking this charge from this point P to Q. Okay. Now to solve this question, we are going to study the concepts which are required to solve this question. Okay. So if we have any charge, say its value is Q naught, and another charge Q which is located at this point A. Actually, this charge Q is in the electric field of this charge Q naught. Okay, and this charge is moved to another point B. Okay, so whenever a charge is displaced, it is moved from a point A to the point B, then in this case, some work is required to move the charge from A to B. So this work done W is given by Q times VB minus VA, where VB is the potential at this point B due to this charge Q naught, and VA is the potential due to this charge Q naught at this point A. Okay, now it should be noted that the work done in moving a charge is independent of the path, and it only depends upon the final and the initial position of the charge. Okay, so whenever we are going to displace a charge from any point A to another point B, then the work done depends only on the initial and the final position. Okay, so if we have another point C like this, and we make any path between A and B via this point C, then the work done is independent of the path taken. So the work done only depends upon the initial and the final position to which the charge is displaced. And why this is so? Because electrostatic field is a conservative field. Okay, so that is why the work depends only on the initial and the final position. Okay, so this was the important point which you were required to know to solve this question. Now moving back to the question. So, sabse pehle hum distance of the point free from the origin likh sakte hain. 3 cm or 0.03 meters. Okay. Aur isi tarike se the distance of the point Q from the origin hum likh sakte hain 4 cm ya 0.04 meters. Okay. VP is the potential at the point P due to this charge of 8 mC, jise hum Q naught se represent karenge. Aur DP ye beech ki distance hai. To ye jo distance hai, ise hum DP maan liya hai. ये
ओ और पी के बीच की डिस्टेंस हमने डीपी मान ली। इसी तरीके से वी क्यू हम लिख देंगे 1/4π0 क्यू नॉट अपॉन डी क्यू, तो ये जो डिस्टेंस ओ और क्यू के बीच में है वो हमारी डी क्यू से रिप्रेजेंट है और क्यू नॉट हमारा ये अलग चार्ज है। तो ये पोटेंशियल हमारे निकल जाएंगे एट द पॉइंट पी एन क्यू। तो वर्क डन हम निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्यू माइनस वी पी। ओके, अब हमें क्या करना है, सिंपली वैल्यूज प्लेस करनी है। क्यू की वैल्यू -2 × 10⁻⁹ कूलम्स और वी क्यू और वी पी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और उसके उसमें जो जो वैल्यूज हो वो हमें प्लेस करनी पड़ेंगी। तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्यू टाइम्स द पोटेंशियल एट द पॉइंट क्यू माइनस पोटेंशियल एट द पॉइंट पी। इसमें से आप देख सकते हैं 1/4π0 और ये क्यू नॉट हमारा कॉमन आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 1/4π0 इंटू 1/D³ माइनस 1/dP। ठीक है, क्यू नॉट की वैल्यू 8 मिली कूलम्स है, तो इसे हम लिख सकते हैं 8 × 10⁻³ कूलम्स, बिकॉज सारी यूनिट्स हमारे एसआई में होने चाहिए, अदरवाइज हमारा आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, तो अब वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। तो हम हमें यहाँ पे मिलेगा ये 1/4π0 की जगह 9 × 10⁹, ये क्यू नॉट की जगह 8 × 10⁻³, क्यू की जगह -2 × 10⁻⁹, और ये 1/dQ की जगह 1/0.04, ये डी क्यू की वैल्यू 0.04 मीटर थी, सिमिलरली 1/0.03। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली ये 10⁻⁹ और 10⁻⁹ मिल जाएगा हमें 10⁻⁰ या 1, और बाकी ये वैल्यूज 9 × 872 × 2 144 ये मिल जाएगा। ये वैल्यू नेगेटिव थी इसलिए माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 144 −144 × 10⁻³। और ये हमने ये पॉइंट हटा दिया, डेसिमल पॉइंट हटा दिया, तो यहाँ पे 100 लिख दिया। ठीक है, ये 100 हमने ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3 − 4/12, बाकी वैल्यूज जो थी उसमें 144 एज इट इज माइनस साइन एज इट इज ये लिख दिया 10⁻³ + 2, तो ये 10⁻⁻¹ हो जाएगा। ओके, ये मिलेगा −1/12, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और ये 144 को 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो मिलेगा 12, तो डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 12 × 10⁻⁹, या इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.2 जूल्स। तो 1.2 जूल्स ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट पी टू क्यू, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। टेकिंग क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इस तरह से है, अ क्यूब ऑफ साइड बी हैज अ चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। तो एक हमें क्यूब दिया गया है जिसकी साइड बी है और उसके वर्टिसेस पे चार्ज क्यू रखा हुआ है। हमें डिटरमिन करना है पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, और इन सारे चार्जेस की वजह से हमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ द क्यूब पे कैलकुलेट करना है। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जिस किसी भी स्टूडेंट को सेंटर ऑफ द क्यूब के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है और वो इजीली कैलकुलेट कर सकता है, तो ये क्वेश्चन वो कुछ ही समय में, मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स ही कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, लेकिन जो स्टूडेंट मैथ साइड नहीं है, जिन्हें बायो लिया है और साथ में फिजिक्स लिए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा हम ये बता देते हैं कि सेंटर ऑफ द क्यूब हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में पूरी नॉलेज दे देते हैं। तो सेंटर ऑफ द क्यूब एक ऐसा पॉइंट होता है जो इक्विडिस्टेंस होता है सबरे कॉर्नर या वर्टिसेस ऑफ द क्यूब से। ओके, तो ये हमारा क्यूब है, ये इसका हमने डायगोनल बनाया। डायगोनल क्या होता है, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द ऑपोजिट कॉर्नर और वर्टिसेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से, इस तरह से जो वर्टिसेस हम सिलेक्ट करते हैं, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, ये हमारे ऑपोजिट वर्टिसेस कहलाते हैं। इनकी पहचान क्या रहती है कि अगर आप कोई भी एक वर्टेक्स लेंगे तो उससे आप पास करते हुए एजेस बनाएंगे तो सारे आपके जो वर्टिसेस आ जाएंगे, सिर्फ एक वर्टेक्स बचेगा। ठीक है, तो ये वर्टेक्स और ये ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर देंगे तो आपको डायगोनल ऑफ द क्यूब मिल जाता है। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट जो निकलेगा
दैट विल बी द सेंटर ऑफ द क्यूब, और इसकी डिस्टेंस इन सारे पॉइंट से, सारे वर्टिसेस से इसकी जो डिस्टेंस रहती है वो इक्वल रहती है सेंटर ऑफ द क्यूब की. ओके अब कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा कि ये वाली जो साइड ऑफ द क्यूब थी उसका एक हमने डायगोनल बना लिया. तो ऐसा करने से हमें एक पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा. ठीक है, ये और ये एक एंगल 90 डिग्री का इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा उस राइट एंगल ट्राइंगल का. ठीक है, तो इजीली ये हम साइड को हम लोग एक्स मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी. ये हमारा डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर तो बहुत ही ईजी है कैलकुलेट करना, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये साइड एक्स, ये साइड एक्स, तो ये साइड स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. और राइट एंगल ट्राइंगल में अगेन अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें ये वाली साइड की लेंथ रूट 3x के बराबर मिल जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से तो हम डायगोनल की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, और इसका जो हाफ होगा, ठीक है, तो ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ द क्यूब की डिस्टेंस फ्रॉम वन एज प्लस सेंटर ऑफ द क्यूब की डिस्टेंस फ्रॉम दिस एज, उनका टोटल रूट 3x आएगा. तो हाफ कर देंगे, रूट 3 बाय 2x वो सेंटर और ये वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि द सेंटर ऑफ द क्यूब इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस रूट 3 बाय 2x फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ द क्यूब. ठीक है, इसे हम लोग डायरेक्टली भी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर x इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब तो डायगोनल की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ x² + x² + x² और रूट 3x के बराबर. ठीक है, और रूट 3 बाय 2x. ठीक है, दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ क्यूब फ्रॉम ईच वर्टेक्स. ओके, तो इतनी नॉलेज लेने के बाद अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है अ क्यूब ऑफ साइड बी हैज अ चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस. तो ये हमने क्यूब लिया, ठीक है, इसकी साइड बी के बराबर है. ठीक है, इसका हमने डायगोनल बना लिया, ये इसका मिड पॉइंट मार्क कर लिया डायगोनल का. ओके, तो इस पॉइंट पे हमें इन सारे चार्जेस जो कि हर एक वर्टिसेस पे लोकेटेड होंगे जैसे कि हमने शो करा है, ठीक है, तो इस तरीके से सारे चार्जेस, 8 चार्जेस आर लोकेटेड एट ईच ऑफ द वर्टिसेस. ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो जितनी भी सारी वर्टिसेस ऑफ द क्यूब है उस पर एक चार्ज क्यू लोकेटेड है. ठीक है, और हर एक चार्ज की वजह से हमें, या सारे चार्जेस की वजह से हमें सेंटर पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. ओके, तो सबसे पहले तो हम ये समझ सकते हैं कि यहां से सेंटर और ये वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस रूट 3 बाय 2 भी हो जाएगी. तो पोटेंशियल ड्यू टू एनी चार्ज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब कैन बी गिवन बाय 1/4πε0 क्यू अपॉन, यहाँ पे डिस्टेंस होता है आर होता है, तो यहाँ पे रूट 3 बाय 2 बी आ गया, या जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू 1/4πε0 टू क्यू अपॉन रूट 3 बी. द पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज अरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, तो ये सारे चार्जेस की वजह से सेंटर पे क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू वी टोटल, दैट विल बी इक्वल टू 8V. हमने 8V इसलिए करा है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और एक चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल इतना है तो सारे चार्जेस की वजह से जो कि इन ऑल 8 है तो 8 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगी 8 × 1/4πε0 टू क्यू अपॉन रूट 3 × b, या जिसकी वैल्यू लिख सकते हैं 4Q/√3πε0 × b, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है. ओके, आगे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू द एरे ऑफ द चार्ज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब. तो यहां पे हम ये कहेंगे इसकी वैल्यू जीरो होगी सेंटर पर, बिकॉज ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसकी वजह से द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस विल कैंसिल आउट. तो जितने भी चार्जेस हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज द चार्जेस आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था.